ये आपके लोगों के हैं ये साथ में मीडिया के साथ में अच्छे फोटोज जोर वो फोटो ले तो नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खुर्शीद, आपका मेज़बान। हम हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती आपके सामने लाए, और उसके साथ साथ जो हमारी फौज है सुरक्षा के लिए बॉर्डरों पे, देश के अलग अलग जगहों पे, और महू वैली के नाम से जो जाना जाता है, बनिहाल के महू वैली से इस वक्त मैं मोरी का इलाका है वहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ इंडियन आर्मी वहाँ भी तैनात है। तो सुरक्षा के साथ साथ हम बताएंगे आपको कि सुरक्षा के साथ साथ इंडियन आर्मी का जो काम है, देश का जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे जो है उनको भी सही ट्रैक पे लाना, ये भी इंडियन आर्मी का एक यहाँ पे कोशिश है। हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे पीछे आप जो टेंट देख रहे हो, इस टेंट के अंदर जो है कई बच्चे अपना पढ़ाई का जो है सिस्टम चला रहे हैं। यहाँ पे दूर दराज इलाके से, चाहे हम पुनिश रजौरी की बात करें, जम्मू से, कहीं देश के अलग अलग कोने से जो खाना बदोश आते हैं, गुज्जर बकरवाल आते हैं, जिनका एजुकेशन से एकदम 6 महीने के लिए कट हो जाता है, तो उनके जो बच्चे यहाँ पे है, इंडियन आर्मी ने ये कदम उठाया। इनके जो सीओ साहब है या कर्नल साहब है, उनकी तरफ से यहाँ पे एक जब उन्होंने दौरा किया, तो यहाँ जो आसपास के जो अदवार पे गुज्जर बकरवाल आते हैं बाहर से, उनके जो छोटे बच्चे उन्होंने देखे, तो उन्होंने सोच लिया कि इन बच्चों के लिए एक सुरक्षा के अंदर एक एजुकेशन का एक छोटा मोटा एक कार्य शुरू किया, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक टीचर भी यहाँ लोकल महू का जो है हायर किया, उसको इंडियन आर्मी की तरफ से सैलरी मिलती है और वो बच्चों को यहाँ पढ़ाता है। तो ये जब क्लासेस शुरू हो जाते हैं, इसमें कुल 40 से 45 बच्चे जो है अपना जो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, और टीचर को जो इंडियन आर्मी सैलरी देती है। ये फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक ये स्कूल चलता है। 3 साल से स्कूल मुकम्मल यहाँ पे चल रहा है। बनिहाल से मैं खुर्शीद। मेरा नाम सर आशिक नज़ीर है, मैं महू में रहता हूँ, यहाँ का लोकल हूँ। तो यहाँ 3 सालों से सर इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज करता है स्कूल गुजर बकर वालों के लिए, जो 5 या 6 महीने चलता है यहाँ। तो सर मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ है 40, जिसमें अभी प्रेजेंट है सर 15 बच्चे। तो आज थोड़ा बारिश की वजह से नहीं आ पाए बच्चे, तो सर इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये स्कीम यहाँ खोली है। जी सर, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सोचा है कि यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, ये हमारे लिए सोचता कि इनकी एजुकेशन जो कंटिन्यू रहे और जो इनके मेमोरीज़ है तो ये सर कंटिन्यू रहे। तो बाकी सर हाँ सर, आर्मी का तो बहुत अच्छा कदम है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये स्कीम खोली है। मेरा नाम नज़र मोहम्मद है, तो इस टाइम मैं मोरी में खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन गुजर बकरवाल के लिए ये स्कूल खोला, खासतौर हमारे लिए, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जिम्मेवारी इनकी थी, उनके साथ इन्होंने और सारी बहुत जिम्मेवारियाँ निभाई, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार। जिम्मेवारी इनकी थी सर हमारी हिफाजत के साथ इन्होंने हमारी एजुकेशन की भी ज़्यादा कोशिश की है, तो उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपके भी यहाँ बच्चे? जी जी, हमारे बच्चे भी आते हैं, गुजर बकरवालों के तो ज़्यादा बच्चे हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए क्या शब्द है आपके पास? वो लफ्ज़ ही नहीं मेरे पास सर, अब क्या शब्द बता सकता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, तो ये हमारे लिए बहुत कोशिश करते हैं। सर मैं सूबेदार प्रदीप कुमार, 23 राष्ट्रीय राइफल। यहाँ पर ये गुजरानी बकरवाल का स्कूल हमने 5 जुलाई को स्थापित हुआ था यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दूर दराज के जो भी बच्चे हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और यानी कि देश का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं बातों को देखते हुए हमारे यहाँ पर सीओ साहब कर्नल यानी कि एस के सिंह डबल सेना मेडल 5 जुलाई को यहाँ पर आए, इसका उद्घाटन हुआ, और जो भी
कुछ भी त्रुटियाँ थी उनको दूर हुआ। उसके बाद यहाँ पर तहसीलदार अग्रवाल जो भी यहाँ पर बड़े यानी सरपंच थे वो लोग आए यहाँ पर, उन्होंने बहुत हमको ये सराहना का काम का यानी कि सराहना दिया। और हम चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपने देश का नाम यानी रोशन कर सकें और अच्छा यानी कि एजुकेशन प्राप्त कर सके, देश का नाम रोशन। सर ये स्कूल तकरीबन यानी कि 5 मंथ